ये तो पूरी बाढ़ आ चुकी है यार। गया गया गया। ओए अंकल, कितना पीस है इधर, कितनी शांति है। सो मैं अभी घर से तो निकल चुका हूँ और अभी करीबन मैं 25 किलोमीटर आगे दुर्गापुर क्रॉस कर गया हूँ और यहाँ से मुझे विष्णुपुर की तरफ जाना है। तो ये दुर्गापुर है, ये दुर्गापुर से मैं बाईपास अभी ले लूँगा विष्णुपुर की और उधर से मैं कामरपुकुर जाऊँगा। यहाँ से मैं हाईवे भी से भी जा सकता हूँ पर ये रास्ता मैं देखा नहीं हूँ, ये अनदेखा रास्ता है तो इससे मैं जाने प्रेफर करता हूँ और देखना चाहता हूँ कि ये रास्ता कैसा है, देखा जाए। आपको अगर कामरपुकुर या जयराम बाटी जाना है तो इसके तीन रास्ते हैं। एक आप ये वाला जो विष्णुपुर होके जाता है बाईपास दुर्गापुर से कट लेते हो, और एक है कि बर्दवान से, अगर आप कोलकाता साइड से आ रहे हो तो शायद उधर बर्दवान से आपको शॉर्ट पड़ेगा, बर्दवान से बाईपास हो जाओगे आप। और एक अगर आसनसोल की तरफ से आ रहे हो तो बाईपास उधर आप मेजिया से निकल सकते हो, रानीगंज से जाके मेजिया में उधर से आप विष्णुपुरी होके आओगे। तो ये तीन चार रास्ते हैं जहाँ से आप विष्णुपुर आ सकते हो। ओहो, रॉन्ग लेन पे चला गया, सॉरी सॉरी सॉरी। तो वेलकम टू दुर्गापुर बैरेज। वो भी पानी छोड़ दिए, ये देखिए काफी पानी आज। तो दो तीन पेट्रोल पंप में आज पेट्रोल नहीं है, काफी मशक्कत करने पड़ रही है। ओ भाई तुम पार हो जाओ आगे, भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम पार हो जाओ। क्या देखो आज तो काफी बारिश हुई रात भर, इसके कारण पूरी चलूँ मैं आज। हो गई मेरी, जूता गया भाई। ओ भाई ये तो पूरी बाढ़ आ चुकी है यार, काफी डूब गई है यहाँ पे देखो। ओ देखो क्या हो गया, देखो तो पूरी डूब गई है, काफी पानी आई है आज। ये विष्णुपुर का रास्ता नहीं है, शायद मैं कहीं और अलग से कट लिया, इसलिए मैं थोड़े अलग रास्तों में आ चुका हूँ। पर कामरपुकुर मेरे को जाना है तो ठीक है, ये रास्ता कामरपुकुर ले जा रही है, थोड़ी सी लॉन्ग पड़ गई है। ओहो इधर गाय और बकरी की मार्केट है। ये कौन सा जगह है? दोजलपुर। कामरपुकुर यहाँ से जाना कितना दूर है? सीधा फिर राइट, ठीक है थैंक यू। बाप रे बाप, ये देखो रोड कितनी खराब है, ऑफ रोड की फीलिंग आते हुए। उधर तो काफ़ी अच्छी रोड थी, इधर तो पूरी बिगड़ गई है बारिश के कारण, कल तो पूरी बारिश हुई है इसलिए शायद बिगड़ गई है। ज़्यादातर रोड इधर की बहुत ही अच्छी है, वेल मेंटेन्ड है, पर कहीं कहीं में ऐसी हालत है बस।
बहुत रेयर देखने को मिल रही है इधर। और रोड तो काफ़ी कीचड़ से भरी हुई है। ओ बवा, अब इधर से कैसे जाऊँगा यार। देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। बैंड बज गई है, गिरा तो गया मैं, गया। ओहे अंकल, भई ये क्या है बे? कैडबरी चॉकलेट। ओह गया, मेरा जूता तो गया पूरा, काफ़ी कपड़ा भी गया, कपड़ा भी गया। जाओ। तो आज का डेस्टिनेशन मेरा कमरपुकुर होगा, और कमरपुकुर श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थल है। कल मैं जाऊंगा जयरामबाटी, जहां माँ शारदा का जन्म स्थल है। तो दोनों जगह कवर करूंगा दो दिन में, और देखते हैं फिर क्या एक्सप्लोर कर सकता हूं वहां पे, क्या और देखने को है। तो सारे कुछ कवर करूंगा मैं, एक डिटेल दूंगा कि कहां रह सकते हो, कहां घूम सकते हो, क्या देखने लायक है। काफ़ी मेरे दोस्त लोग जानते नहीं हैं कि कमरपुकुर और जयरामबाटी क्या है, तो एक छोटी सी कोशिश मैं भी आज कर रहा हूँ कि आपको बताने की, और कवरेज करूँगा, हिंदी में करूँगा और बंगाली में भी शायद अगर होगा तो वो भी कर सकता हूँ। देखते हैं अगर कोई गाइड मिलता है, या फिर मेरे दोस्त जो और को है वो हिंदी बांग्ला दोनों अच्छे तरह से जानते हैं तो शायद ट्रांसलेट हो जाए। तो छोटी सी मैसेज मैं भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि ये क्या है ये जगह, और आपको इस चीज़ से क्यों जुड़ना चाहिए, क्या खासियत है यहाँ पे। ज़रा देखो, वाह ये देखो, कितना पीस है इधर, कितनी शांति है। सो आप देख सकते हो यहाँ से कमरपुकुर आपको पड़ेगी 8 किलोमीटर, और जयरामबाटी ये रास्ता चले जाती है आपको पड़ेगी 5 किलोमीटर, और कोटुलपुर ये है 6 किलोमीटर यहाँ से। तो मुझे जाना है कमरपुकुर, सो और यहाँ से 8 किलोमीटर है। सो ये पार्किंग है, यहाँ पे आप कार वार पार्क कर सकते हो, बाइक पार्क कर सकते हो। सो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, और को है। सो अभी हम मैं रूम पहुंच चुका हूं, और ये रहा मेरा रूम, छोटा है पर काफ़ी है। একটা রেট করা আছে, মিনিমাম 300 টাকা রেট করা আছে, ঠিক আছে। আর হাইয়েস্টে প্রায় 1500 টাকা আছে, সব এসি এসি আছে, সব আছে, এবং নন এসি 400 টাকা অ্যাটাচ বাথরুম পায়খানা করা আছে। यहां पे इधर से आपको मेन लॉज ये है जिसमें मैं रहा हूं, तो आप कभी भी आओ तो यहां पे रीजनेबल रेट है, आप पे कर सकते हो।